आज चार शूट्स करने का इरादा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो अभी मैं रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स का वीडियो बना के हटा हूँ एंड अभी मैं नोट 10 प्रो की बात करने जा रहा हूँ, देन नोट 10 का भी वीडियो अभी बना दूंगा मैं। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दो यार, प्लीज़। देखो कब से 1.84 पे अटके हुए हैं हम लोग, 1.85 कर दो उसे प्लीज़। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रेडमी नोट 10 प्रो, ये स्मार्टफोन जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा है मुझे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एकदम एकदम तो नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सेम है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स से। आप लोगों को सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है, सेम डिज़ाइन देखने को मिलती है, सेम डिस्प्ले देखने को मिलता है, एवरीथिंग इज सेम, बस कैमराज में थोड़ी मोड़ी डिफरेंसेस किए हुए हैं। सो गाइस इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक्स, इट लुक्स सेम एज रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। ये भी आप लोगों को 6.6 इंच का देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है आप लोगों को, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल टेलीफोटो डेप्थ आप लोगों को देखने को मिलेगा, एंड मैक्रो सेंसर जो है और टेलीफोटो और मैक्रो जो है दोनों को आपस में जोड़ करके टेली मैक्रो कैमरा बना दिया है शाओमी ने, जो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी चीज़ मैं बोलूँगा, क्योंकि वो 20x जूम तक लेकर चला जाएगा, विच इज़ वेरी गुड 16,000 रुपीज़ के प्राइस पे, है ही नहीं है सब चीज़ें। अब कैमरे का कटआउट देखोगे, सारी चीज़ें देखोगे तो एकदम सेम है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स जैसा आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो कैमरा मॉड्यूल भी एकदम सेम है। आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता था कि रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स थोड़ा सा बड़ा कैमरा दिखाता एंड इसमें थोड़ा छोटा दिखता है, क्योंकि 64:108 में डिफरेंस तो है। गाइस ये भी आप लोगों को 192 ग्राम्स का देखने को मिलता है, उसके साथ 8.1 mm की थिकनेस है। इसमें 5020 mAh की बैटरी आती है, 33 W का फास्ट चार्जर है, तो डेढ़ घंटे में चार्ज हो जाएगा, डेढ़ घंटे से कम में इनफैक्ट चार्ज हो जाएगा। एंड OS आप लोगों को इसमें देखने को मिलता है ऑब्वियसली एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है साथ में, एंड MIUI 12 है जो एड्स एंड लैग्स एज वेल, मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे पता है। एंड गाइस इसमें डिस्प्ले लगा हुआ है सुपर AMOLED, वही सेम डिस्प्ले लगा है इनफैक्ट 120Hz का सुपर AMOLED 1200 Nits के साथ। डिस्प्ले बहुत तगड़ा यूज़ किया है इस बार इन लोगों ने, इवन 16,000 rupees के प्राइस ब्रैकेट में ये डिस्प्ले आई डोंट थिंक सो नेक्स्ट ईयर भी देखने को मिलेगा। प्रोसेसर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिलता है, वही सेम प्रोसेसर आप लोगों को पोको X3 जैसे स्मार्टफोन्स में भी देखने को मिला है, एंड डेफिनेटली प्रोसेसर के मामले में ये स्मार्टफोन थोड़ा पीछे रह जाता है, क्योंकि ये 4GB है, ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं। 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है सेम एज रेडमी 10 प्रो मैक्स, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है सेम है वो भी चीज़ें, एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिलते हैं विच इज़ वेरी गुड। कलर्स भी इनफैक्ट सेम देखने को मिलते हैं, तीन कलर्स हैं, तीनों की इन्हों सेम है। आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए था स्मार्टफोन में, जो बाहर से इसको 10 प्रो और 10 प्रो मैक्स को डिफरेंट दिखाता, क्योंकि आप बाहर जब लेके निकल जाओगे कोई बोलेगा, जस्ट इमेजिन इफ़ यू बॉट रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, आपसे वो यही बोलेगा ये 10 प्रो है ना। सो ये सब चीज़ें रहेंगी, काफ़ी गंदा एग्जांपल था। इसका जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो भी 118 डिग्री तक का कैप्चर करता है, सेम है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स जैसा। इसमें भी डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिलता है, मतलब आप फ्रंट कैमरे से भी शूट कर सकते हो और पीछे वाले कैमरे से भी शूट कर सकते हो साथ में। एंड सुपर मैक्रो कैमरा जो है इसका, वो आप लोगों को एकदम, आप लोग कह सकते हो कि किसी ऑब्जेक्ट के एकदम अंदर तक ले जाएगा। फोटो एंड वीडियो क्लोन मोड्स जो हैं वो बहुत तगड़े हैं, वही सेम चीज़ें रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में भी देखने को मिलती है। आप लोग जस्ट इमेजिन, आप मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं अपनी फ़ोटो खींचता हूँ एंड अगर मुझे अपने तीन क्लोन्स बनाने हैं तो मैं अपने राइट में एक डाल सकता हूँ, लेफ्ट में एक डाल सकता हूँ, सो दीज थिंग्स आर वेरी गुड। IR ब्लास्टर भी देखने को मिलता है इसमें सेम है, ये भी चीज़ भी आप लोग अपना AC और TV कंट्रोल कर सकते हो IR ब्लास्टर की हेल्प से। यही कहानी है Redmi Note 10 Pro की, ये स्मार्टफोन डेफिनेटली अच्छा है प्राइस के हिसाब से, डिस्प्ले तो भाई बहुत ही तगड़ा है, बट फिर भी मैं कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करूँगा जो मुझे ख़राब लगी थोड़ी सी, मतलब
प्रोसेसर इस प्राइस के लिए 16,000 रुपीज़ के लिए जस्टिफाइबल है, बट ये 4G डिवाइस है, 5G होना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें शायमी ने दे दी हैं इस डिवाइस में, बट उन्होंने प्रोसेसर पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। सो इफ़ यू वांट अ डिवाइस जिसको आप 3-4 साल रखना चाहते हो, तो आई डोंट रिकमेंड दिस। द रीज़न इज़ कि इसमें एड्स वैड्स आते हैं, 4G है, तो ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो स्मार्टफोन को स्लो करेंगी। एंड 4G है तो नेटवर्क कनेक्शन भी स्लो रहेगा आप लोगों का। सो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। लेट्स टॉक अबाउट प्राइसिंग। 664 जो है वो 16,000 रुपीज़ का लॉन्च हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। 6128 जो है वो 17,000 रुपीज़ का है, वो भी काफ़ी अच्छी बात है। एंड 8128 जो है वो 19,000 रुपीज़ का है, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एज सच। 19,000 रुपीज़ बट ज़्यादा हो जाते हैं, यू कैन गो फॉर रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स विच विल बी अ बिट बेटर। उसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा है, डेफिनेटली 64 से तो अच्छी क्वालिटी देगा वो। एंड मैं ये चीज़ वापस से आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि शायोमी ने जब उन्होंने गोरिल्ला ग्लास 5 के बारे में बात करी, डिस्प्ले के बारे में बात करी, देन मनु कुमार जैन सेड कि ये स्मार्टफोन आप लोगों से अगर गिर जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, टूट जाता है, तो इसके लिए उन्होंने इंश्योरेंस भी दिया है डिस्प्ले का। यू नो व्हाट दैट मीन्स, मैं इस वाले वीडियो में भी नहीं बताऊंगा। आप लोग अगर जानते हो तो कमेंट कर देना नीचे, अगर समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, शेयर, कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन। अब मैं नोट 10 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है, सब्सक्राइब कर देना।